देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 30 सितंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर 1, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले, मौतें 0 और 12 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 156 हैं। नंबर 2, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 748 नए मामले आए, 740 रिकवरी हुई और 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7580। नंबर 3, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोविड मामले, 23 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 299 है। नंबर 4, हरियाणा में आज 16 नए कोरोना मामले, 15 रिकवरी और 0 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 278 है। नंबर 5, तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 245 नए मामले आए, 173 रिकवरी हुई और 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 4620 है। नंबर 6, असम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 366 नए मामले आए, 507 रिकवरी हुई और 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3140 है। नंबर 7, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 539 नए मामले सामने आए हैं, 591 लोग डिस्चार्ज हुए और 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई, राज्य में कुल सक्रिय मामले 12,565 है। नंबर 8, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 11 नए कोरोना मामले और 15 रिकवरी दर्ज की गई, इस दौरान 1 मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 209 है। नंबर 9, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,624 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1,639 लोग डिस्चार्ज हुए और 24 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,192 है। नंबर 10, पुदुचेरी में आज 93 नए कोरोना मामले, 1 मौत और 75 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 828 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 83 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 82 लोग ठीक हुए हैं और 4 मौतें हुई, सक्रिय मामले 830 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,084 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1,328 लोग डिस्चार्ज हुए और 13 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,655 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए, कोरोना से हुई मौत की संख्या 0 है, सक्रिय मामले 76 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 12,161 नए मामले, 17,862 रिकवरी और 155 मौतें हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 143,500 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 8 नए कोरोना संक्रमण मामले, कोरोना से हुई मौत की संख्या 0 है और 7 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 115 है। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं, 12 लोग कोरोना से ठीक हुए और कोरोना से हुई मौत की संख्या 0 है, सक्रिय मामले 76 है। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 205 नए मामले सामने आए, 92 लोग डिस्चार्ज और कोरोना से 3 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 1793 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 144 लोग डिस्चार्ज हुए और 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2207 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटों में 1 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं और 5 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 0 मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 52 है। नंबर 20, ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 565 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 467 लोग डिस्चार्ज हुए और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 5046 है। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 34 लोग डिस्चार्ज हुए और 1 की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 260 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,187 नए मामले सामने आए हैं, 3,253 लोग डिस्चार्ज हुए और 49
50 लोगों की मृत्यु हुई। सक्रिय मामले 36,675 है। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए। 23 लोग कोरोना से ठीक हुए और एक की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 159 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 41 कोरोना वायरस मामले सामने आए। 22 रिकवरी और कोरोना से हुई मौत की संख्या 0 है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 392 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए। इस दौरान 24 लोग डिस्चार्ज हुए, एक की मृत्यु दर्ज की गई और सक्रिय मामले 441 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 27 लोग डिस्चार्ज हुए और एक मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 285 है। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 100 नए कोरोना मामले, 132 रिकवरी और कोरोना से हुई मौत की संख्या 0 है। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामले की संख्या 1388 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 169 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 166 लोग डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 1693 है। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 1380 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 777 लोग डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 15,431 है। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्यों की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह से कोरोना अपडेट न्यूज के साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए।